छह सूत्री मांग को लेकर के रसोईया संघ का धरना। क्वारंटाइन सेंटर में काम कर रहे रसोईया का आज तक भुगतान नहीं होना, नीतीश मोदी सरकार की विफलता। बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ दरभंगा जिला परिषद द्वारा आज दरभंगा जिला अधिकारी के समक्ष छह सूत्री मांग को लेकर के धरना दिया गया। धरना के माध्यम से मजदूर विरोधी श्रम कानून वापस लो, रसोईया को सरकारी सेवक घोषित करो व मासिक मानदेय 21,000 रुपये देने, क्वारंटाइन सेंटर में खाना बनाने वाले रसोइयों के मजदूरी का भुगतान करने, 2019 के बाढ़ के समय सामुदायिक किचन में कार्यरत रसोईया का बकाया मजदूरी का भुगतान करने, 2020 के बाद बाढ़ में किचन में काम करने वाले रसोइयों के मजदूरी का भुगतान करने, रसोइयों को लॉकडाउन भत्ता 10,000 रुपया देने संबंधी मांग शामिल है। हम लोग के एक पैसा भी नहीं मिला है, बाहर रह के बनाए हैं वो भी पैसा नहीं हम लोग के मिला है, की वजह कहता है कि से पैसा भी नहीं अति करेंगे हम लोग। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं हम लोग की 21,000 रुपया हम लोग के मन दे दें और ये लॉकडाउन के 10,000 रुपया हम लोग के दे। क्या नाम है? संतरा जी। क्या है काम? सिंहवाड़ा प्रखंड से बोला है, जिला सचिव। आजाद समाज पार्टी दरभंगा के द्वारा लहरिया सराय समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, जहां प्रदर्शन कर रहे भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भोला पासवान ने कहा कि सरकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है किसान विरोधी सरकारी संस्थानों को निजीकरण बंद करने, किसान विरोधी अध्यादेश को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी को हमने एक ज्ञापन सौंपा है जो महामहिम राष्ट्रपति के नाम का है। भाई चंद्रशेखर आजाद रावण के आह्वान पे संपूर्ण देश में हरेक जिला पर, जिला मुख्यालय पर हम लोग एक ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। जो ज्ञापन में जो लिखा हुआ है, जो देश में जो है ये निजीकरण के खिलाफ, जो बेरोजगारी जो है बेरोजगारी के खिलाफ हम लोग एक ज्ञापन दे रहे हैं, और जिला पदाधिकारी के ज्ञापन देने के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को हम लोग जो संदेश देना चाहते हैं, ये जो निजीकरण हो रहा है पूरे देश में उसको आप बंद करवाइए। ये जो किसान के जो अध्यादेश लाया, काला कानून जो लाया गया है अध्यादेश के माध्यम से, उसको आप रोक लगाइए, नहीं तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पूरे संपूर्ण देश में जो है भारत को बंद करने का काम करेगा। अभी भी संभलने का मौका है, नरेंद्र मोदी जी को अभी भी संभल जाए, नहीं तो पूरे देश को बंद करने का हम लोग काम करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम भोला पासवान, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। मीडिया को सांग दरभंगा की हुई बैठक, उपनिदेशक जनसंपर्क दरभंगा प्रमंडल दरभंगा सह नोडल पदाधिकारी मीडिया को सांग की अध्यक्षता में मीडिया को सांग की बैठक हुई। आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा गठित मीडिया को सांग में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को सांग नेहा नूपुर एवं जिला कल्याण पदाधिकारी मदन प्रसाद को सहायक नोडल पदाधिकारी बनाया गया। बैठक को संबोधित करते हुए उपनिदेशक जनसंपर्क ने बताया कि प्रेस नोट जारी होने की तिथि को अधिसूचना की तिथि, चुनाव प्रचार समाप्ति की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना समाप्ति के अवसर पर तथा चुनाव प्रक्रिया समाप्ति के अवसर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। MCMC द्वारा सभी प्रकार के चुनावी विज्ञापनों की पहचान कर उनके लागत मूल्य से व्यय एवं लेखा कोषांक को प्रतिदिन अवगत कराया जाता है। इसके लिए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा प्रतिदिन समाचार पत्रों का एवं समाचार चैनलों का नियमित अवलोकन किया जाता है। समाचार चैनलों के अवलोकन हेतु कई TV सेट का संस्थान कराया जाता है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर नजर रखने हेतु IT सेल से एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट की प्रतिनियुक्ति कराई जाती है, जिन पर IT सेल के द्वारा निगरानी की जाती है। प्रेस नोट जारी होने के बाद कोई भी चुनावी विज्ञापन प्रसारण करने से पहले MCMC से प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है, अन्यथा यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा तथा भारतीय दंड संहिता धारा 171H एवं लोकपत्र प्रतिनिधित्व अधिनियम
1951 की धारा 12(7)(1) के अंतर्गत पेड न्यूज माना जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रिंट मीडिया में किसी प्रत्याशी या दल के पक्ष में बनी खबर या निरंतर खबर छपती है तो इसे पेड न्यूज माना जाएगा और समाचार का वे आकलन DAVP दर पर किया जाएगा। सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में विस्तार से बताएं पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी सह जदयू नेता। मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जदयू नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने अपने आवास लहरिया सराय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया और मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के द्वारा कई योजनाओं चलाए जा रहे हैं, खास करके अल्पसंख्यकों के लिए भी चलाए जा रहे हैं, जो दरभंगा में कई अल्पसंख्यकों समुदाय के लोगों को लाभ मिला है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लाइज एवं ऑफिसर फेडरेशन के संयुक्त आह्वान पर फेडरेशन के सदस्य ने 28 एवं 29 सितंबर को 11 सूत्री मांग को लेकर के हड़ताल पर रहेंगे। अधिकांश अधिकारी कर्मचारी संवर्ग 2014 बैच के हैं। परीक्षा परिणाम आते आते मार्च 2021 हो गया, लेकिन परीक्षा में शामिल होने की पात्रता मार्च 2020 ही रखे जाने से अधिकांश सात लोग एलिजिबिलिटी नहीं हो पाए, जबकि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक प्रमोशन में पात्रता अवधि सितंबर 2020 रखा। अन्य भत्ता के मामले में UBGB स्टाफ को अभी भी सातवें द्वितीय पक्ष वेतन समझौता के तहत अन्य भत्ते का लाभ नहीं देकर अन्याय किया जा रहा है। इसी के विरोध में हड़ताल किया जाएगा। दरभंगा समरणालय कक्ष में चुनाव की तैयारी को लेकर के हुई बैठक। PWD 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले एवं COVID-19 पॉजिटिव मतदाता घर से करेंगे मतदान। अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त तयन सुल्तानिया की अध्यक्षता में सभी निर्वाचन पदाधिकारी एवं सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी के साथ चुनाव की तैयारी को लेकर के बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा दिए गए आदेश से अवगत कराते हुए उन्होंने कहा कि सभी निर्वाची पदाधिकारी अपने सेक्टर पदाधिकारी के साथ शीघ्र बैठक कर ले और BMF भेद क्षेत्र क्रिटिकल संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथ की सूची फाइनल कर ले। मतदान केंद्र पर दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं का क्रॉस सत्यापन सेक्टर पदाधिकारियों के माध्यम से करा लिया जाए। विगत चुनाव में यदि किसी मतदान केंद्र या किसी क्षेत्र को भेद माना गया है और इस चुनाव में यदि हटा दिया गया है तो उसके कारण की जाँच कर ली जाए। टर्मिनल बनकर तैयार, 2 लेन का रनवे भी बना, तीसरे का काम तेज। दरभंगा की धरती से उड़ान भरने के मिथिला के लोगों के सपने अब साकार होने वाले हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई व बेंगलुरु के लिए 8 नवंबर की पहली सप्ताह से शुरू हो जाएगी। सोमवार से SpiceJet ने बुकिंग शुरू कर दी है। वहीं टिकट बिक्री शुरू होने से लोगों में उत्साह है। विधायक संजय सरावगी व अमरनाथ कामी सहित 40 लोगों ने टिकट बुक कराई है। बताया जाता है कि इस बीच फर्नीचर छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट से दरभंगा लाए जा रहे हैं। टर्मिनल निर्माण पूर्ण कर दिया गया है। 2 लेन का रनवे बनकर तैयार है। तीसरे रनवे का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा अब जारी करेगी संपूर्ण भारत पर्यटन परमिट। राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार पटना द्वारा जनहित व वाहन स्वामियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण भारत पर्यटन परमिट निर्गत करने की शक्ति क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा को प्रायोजित की गई है। राज्य परिवहन प्राधिकार
बिहार के उप निर्णय के पश्चात जिले के वाहन स्वामियों को संपूर्ण भारत पर्यटन परमिट प्राप्त करने हेतु अब पटना की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। क्षेत्र के वाहन स्वामियों को अब क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा के काउंटर पर सुगमतापूर्वक पर्यटन परमिट मिल सकेगी। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए वर्तमान में वृहत शुल्क राशि 20,000 रुपये है। संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दरभंगा दुर्गानंद झा द्वारा वाहन संख्या BR07PC3336 को आज प्रथम ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट निर्गत किया गया। इस अवसर पर कार्यालय प्रधान लिपिक रतीश कुमार झा के साथ अन्य कार्यालय कर्मी मौजूद थे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर मनीगाछी प्रखंड कमेटी की बैठक आज खादी भंडार मनीगाछी में प्रखंड अध्यक्ष अवधेश कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रस्ताव पारित कर 82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से इस बार भी चुनाव लड़ने की पार्टी के निर्णय का स्वागत किया गया। महिला जिला अध्यक्ष नीलम दत्ता को इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनने का आश्वासन देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को साधुवाद दिया गया। किसान विरोधी बिल के खिलाफ संपूर्ण दरभंगा बंद। AISF और AIYF का किसानों के भारत बंद को सक्रिय समर्थन। किसान विरोधी बिल के खिलाफ किसानों के कई संगठनों के द्वारा प्रस्तावित 25 सितंबर को भारत बंद के समर्थन में संपूर्ण दरभंगा बंद रहेगा। अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी ने बताया कि एकमी घाट बाईपास रोड बेनीपुर दरभंगा बहेड़ी दरभंगा दरभंगा केवटी बिठौली सिंहवाड़ा NH57 कमतौल जाले पथ से शहर के सभी संपर्क पथ जाम रहेंगे। जिला संपूर्ण रूप से बंद रहेगा, चप्पा चप्पा जाम रहेगा। उन्होंने आम आवाम से इस भारत बंद को सफल बनाने की भी अपील की। वहीं छात्र संगठन AISF के जिला सचिव शरद कुमार सिंह और जिलाध्यक्ष शशि रंजन AIYF के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू मिश्रा ने भी किसानों द्वारा भारत बंद को सक्रिय समर्थन देते हुए अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को इस बंदी में भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की। आज MSU के कार्यकर्ताओं के द्वारा DMCH में कुव्यवस्था के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला गया। MSU के कार्यकर्ता ने दरभंगा पोलो फील्ड से चल कर के DMCH तक आंदोलन करते हुए पहुँचे, जहां आक्रोश मार्च का नेतृत्व अभिषेक कुमार झा कर रहे थे। वहीं DMCH में फैली कुव्यवस्था और अराजकता के खिलाफ यह मार्च निकाला गया। और वहीं अमन सक्सेना ने कहा कि अगर व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, सुधार नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे और हमारा प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। देखिए, आज हम लोगों ने डीएम के फैली कुव्यवस्था और अराजकता के खिलाफ एक आक्रोशपूर्ण मार्च निकालने का काम किया। अभी कोरोना का टाइम था, इसलिए हम लोग की संख्या काफी नगण्य है। अगर आने वाले दिनों में अगर हमारी मांगों पे DMCH प्रशासन के द्वारा अगर सकारात्मक पहल नहीं किया जाता है, तो आने वाले दिनों में अधीक्षक का कार्यालय एक एक छोटी टाइटा जाम रहेगा और उस दिन हम लोग अधीक्षक को सैकड़ों संख्या में आकर घेरने का काम करेंगे। साथ ही हम लोग का मांग है जो DMCH में जितनी भी सरकारी दवाई है उस दवाई को उपलब्ध कराया जाए। अभी आप जाके देखेंगे DMCH में तो वहाँ भी दवाई की संख्या का 20% भी दवाई उपलब्ध नहीं होता है। आप जाएंगे वहाँ पे एक भी एक्सरे मशीन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं के माध्यम से, जब PMCH और DMCH के लिए एक ही मेडिकल सुविधा है तो DMCH और PMCH में इतना अंतर क्यों? जाले विधायक के काम से नहीं है खुश, उनके ही पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता कर रहे हैं खुलकर विरोध। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही सभी दलों के कार्यकर्ता अपनी उम्मीदवारी को लेकर के दावे ठोक रही है। वहीं भाजपा के जाले विधानसभा के कार्यकर्ता दो गुटों में बट चुकी है, जहां विधायक के कामकाज से कोई भी भाजपा कार्यकर्ता खुश नहीं है। इसी कड़ी में जाले विधायक के भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता गोविंद चंद्र मिश्र ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले दिया,
उसको साकार करने के लिए छोटा सा प्रयास हमारे तरफ से होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जाले विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा हम बनाना चाहते हैं, जिसे हम 3 साल में पूरा करके 200 उद्योग लगाकर अन्य विधानसभा को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे।